तो इसका नाम हो जाता प्रोपेन टू इन वन अमाइन। ठीक है, दो कंपाउंड और देख लेते हैं। अगर एनिलीन पे एक यहां पर ब्रोमीन लगा होता, एक यहां पर ब्रोमीन लगा होता और एक यहां पर ब्रोमीन लगा होता, तो हम इसकी नेमिंग करते 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम 2 4 6 ट्राइब्रोमो हमने यहां पे देखा था क्या है बेंजामाइन। ठीक है, तो लिख देते बेंजामाइन या कुछ ऐसा कंपाउंड होता बेंजीन एनिलीन पे क्या लगा होता है आपका OCH3 ग्रुप जुड़ा होता, तो इसका नाम हो जाता नेमिंग करते 1 2 3 4 तो 4 मेथॉक्सी बेंजीना अमाइन। ओके, थैंक यू। आई थिंक सो आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।